हेलो एवरीवन। तो आज नया कढ़ाई ली हूँ, तो नया कढ़ाई में मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो एक वेज कढ़ाई हो गया, एक नॉन वेज। तो नॉन वेज वाला कढ़ाई में नॉन वेज बनाएंगे और ये वेज। तो आज पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो गोल का भुजिया यहाँ पे पनीर बनाने जा रही हूँ, ये पनीर का सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी, दाल भड़ा, पूरी और खीर। तो दोस्तों व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पनीर को निकाल लूँगी और यहाँ पे प्याज का फोड़न देके अच्छी तरह से आलू और मटर को अच्छी तरह से भून ली हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट रख देंगे। अदरक लहसुन पनीर का सब्ज़ी तो आप लोग को आता ही है बनाने, तो क्या ज़्यादा रेसिपी में ज़्यादा नहीं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट रख दी और जितने आपके रेगुलर मसाले हैं वो रख देना है। बट मैं इसमें एक अलग खड़े मसाले भून के और उसको रखूँगी इसमें। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरा बन रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा सब्ज़ी कैसा बन रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इंजॉय कीजिए सब्जी को और मैं कैसे कैसे क्या बना रही हूँ आप लोग देखिएगा, और आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग भी खाइएगा। हमारे बिहार का फेमस है दाल भड़ा पूरी। जब नई नई कन्या आती है, मैंने दुल्हन आती है, और पनीर तो दाल भड़ा पूरी बनता है, सब्जी बनता है और खीर बनता है, इसी तरीके से बनता है। तो मैं आज बनाई हूँ नया कढ़ाई है, तो नया कढ़ाई में कुछ सोची आज स्पेशल बना दूँ। यहाँ पे मैं जीरा को भून रही हूँ। जीरा को अच्छी तरह से भून के सौंधा सौंधा सुगंध आने लगेगा, उसके बाद कूट के रखेंगे तो सब्जी का टेस्ट एक अलग ही आएगा, एक अलग ही लेवल का टेस्ट आता है। आप लोग ऐसे करके एक बार बना के देखिए। यहाँ पे मैं सब मसाले रख दी और धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर दूँगी और उसके बाद मेरा सब्जी बनके तैयार हो गया दोस्तों। तो कैसा लग रहा है सब्जी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। यहाँ पे मसूर और मूंग की दाल है, अच्छी तरह से इसे भून ली हूँ और इसे मिक्सर में पीस लूँगी। यहाँ पे खीर बन रहा है, यहाँ पे सब्जी चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे खीर सब्जी बन रहा है। तो आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहिए, कैसे क्या बन रहा है आप लोग पूरा देखिएगा तो ही आप लोग को पता चलेगा। और यहाँ पे मैं दाल को पीस ली हूँ, सतुआ टाइप बना ली हूँ, स्टफिंग टाइप। अब इसको अच्छी तरह से उसमें अदरक और मिर्ची और नमक और तेल से उसे अच्छी तरह से मतलब बाइंडिंग बना ली हूँ, और उसके बाद इसमें स्टफिंग कर दी हूँ, और उसके बाद बना रही हूँ पूरी। तो तवा पे हम पूरी बनाएंगे। तो दोस्तों व्लॉग में
दोस्तों यहाँ पे खीर पूरी पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गया। कैसा बना है जरूर बताइएगा आप लोग। आप लोग भी बनाइए और खाइए। यहाँ पे थोड़ा धूप में कपड़ा रखने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ये घर का काम आज सुबह से यही काम की और आप लोग से शेयर की। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो अभी जारी फटाफट कपड़ा को धूप में डाल दूँ।